वेलकम बैक। अब हमें देखना है कि अगर हमारी एक एप्लीकेशन हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और वो ऑलरेडी रन हो रही है, सो मे बी वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 4200 को यूज कर रही हो। सो अगर आपको अपनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को ऑलरेडी चलाते हुए एक नई एप्लीकेशन को और यूज करना है, सो आप उस एप्लीकेशन के लिए कस्टम पोर्ट नंबर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी वापस टर्मिनल पे जाना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक हम यूज कर रहे थे अपना कमांड प्रॉम्प्ट एज टर्मिनल, बट आप अगर यूज करते हो विजुअल स्टूडियो कोड तो आपके पास एक डिफॉल्ट टर्मिनल होता है, आप जिसको मेन्यू सेक्शन में जाके टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल फॉर्मेट में स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो उसकी एक शॉर्टकट कमांड भी कंट्रोल एंड एस टैब की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे अभी तक आप चलाते थे एनजी सर्व, तो ये आपके सिस्टम में डिफॉल्ट पोर्ट नंबर को दोबारा से यूज करते हुए आपकी एप्लीकेशन को सेम पोर्ट नंबर पे स्टार्ट करेगा। नाउ यू कैन सी इफ यू ऑलरेडी रन योर एप्लीकेशन ऑन द सेम पोर्ट नंबर लाइक 4200, अगर आपको ऑलरेडी बिजी है तो दिस टाइम आपका टर्मिनल आपको एक्सेप्शन देगा, 4200 is already in use. So, आप इस पोर्ट नंबर को चेंज करके एक कस्टम पोर्ट नंबर पे अपनी एप्लीकेशन को चला सकते हो। एंड वो कैसे, तो सबसे पहले इस बार आपको यूज करना है ng, अगेन द सेम कमांड सर, बट यू हैव टू यूज पोर्ट हाइफन हाइफन पोर्ट विद अ कस्टम पोर्ट नंबर। लाइक अगर आप कोई भी पोर्ट नंबर नहीं दोगे एंड जस्ट प्रेस एंटर, तो ये आपकी एप्लीकेशन को एक रेंडम पोर्ट नंबर दे देगा। 4200 नहीं होगा, इट वुड बी एनीथिंग, लाइक ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप इसको रन करोगे तो वो एक नए पोर्ट नंबर पे रन करेगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि दिस टाइम उसने आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है 49152 पे। अगर मैं अगेन दोबारा किसी दूसरे टर्मिनल से इस सेम एप्लीकेशन को चलाऊंगा ओनली विद पोर्ट, तो वो ऑटोमेटिकली नया नंबर देगा। तो अब आप उसको क्रिएट करके अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हो। You can see here your application is running on this port number. But ये port number एक random port number है, ये आपने अपनी application को नहीं दिया। अब हमें देखना है कि अगर हमें अपना custom का port number देना हो तो कैसे हम दे सकते हैं। So come back to Visual Studio Code again on the same terminal. So मुझे पहले अपनी existing का जो job चल रही है उसको terminate करना पड़ेगा, जिसके लिए Ctrl plus C को press करेंगे and press Y for confirmation and just press Enter. तो मेरी last command जो है वो stop हो गई। So I just now you have to stop your previous command that is already done. अब आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है ng serve with a port and give any custom port number like 5600. Just press enter. That port number should be free, and most of the port numbers are free. You can use any free port number. So इस बार आप देख सकते हो कि आपकी application उसी port number पे start हुई है जो आपने अपना पोर्ट नंबर असाइन किया था। सो दिस इज कस्टम पोर्ट नंबर। सो ये अब आपकी मर्जी है, आप अपना कस्टम पोर्ट नंबर दे सकते हो, आपको ये एक रैंडम पोर्ट नंबर यूज कर सकते हो, आपको उसके लिए सिर्फ उसे हाइफन पोर्ट यूज करना है, ठीक है। नाउ अगर आप रिसीवर पर जाते हो जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस क्लिक, आपका जो एप्लीकेशन है वो अब इस पोर्ट नंबर पे एग्जिस्टिंग है। तो मैं स्टार्टिंग दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं अपने एप्लीकेशन को चलाया था लोकल होस्ट 4200 पे। इन न्यू टैब हमने अपने एप्लीकेशन को चलाया था एक रैंडम पोर्ट नंबर पे। इस बार मैंने अपनी एप्लीकेशन के लिए कस्टम पोर्ट नंबर दिया, जो कि मैंने खुद से डिसाइड किया कि मुझे क्या पोर्ट नंबर यूज करना है। बट इन ऑल दीस कंडीशंस अभी भी हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि मेरा जो विजुअल स्टूडियो को टर्मिनेट जो भी टर्मिनल है वो मेरी एप्लीकेशन को स्टार्ट तो सेम पोर्ट नंबर पे कर देता है, बट मुझे मैन्युअली उस यूजर को ओपन करके ब्राउजर में चेक करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन जैसे सक्सेसफुली पब्लिश हो जाए आपके ब्राउजर पे, तो आपका टर्मिनल ही आपके ब्राउजर को डिफॉल्ट पुश कर दे
उस सेम URL के साथ, so that उसका प्रीव्यू चेक कर सको। तो लेट्स सी, मैं कंट्रोल प्लस सी प्रेस करता हूँ वापस जॉब को टर्मिनेट करने के लिए। वाई फॉर कंफर्मेशन, प्रेस एंटर। सो नाउ अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे दोबारा से यूज करना है एक पोर्ट नंबर के साथ अपनी एप्लीकेशन को, और अगर आप नहीं चाहते पोर्ट नंबर यूज करना तो आप उसको हटा सकते हो। आपको अब क्या लिखना है, फोर्सफुल इसको पुश करने के लिए हाइफन हाइफन ओपन एंड जस्ट प्रेस एंटर अगेन। तो इन दिस कमांड आपका सेल है पहले आपकी एप्लीकेशन को पोर्ट नंबर पे स्टार्ट करेगा, और आप देखोगे कि इस बार मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस यूआरएल पे। जैसे ही पब्लिशिंग सक्सेसफुल होगी ऑटोमेटिकली वो मेरी एप्लीकेशन को शो कर देगा ब्राउजर में, और मेरी एप्लीकेशन का प्रीव्यू मैं देख पाऊंगा बिना किसी क्लिक के। Let's see. So you can see here your application is automatically open in your browser. So this is how कि हम अपनी application का कैसे custom port number change कर सकते हैं, कैसे कोई random port number use कर सकते हैं, और कैसे application के flag हम use कर सकते हैं different जैसे open to open my application after publishing it to browser by default. So thank you so much. In next.